उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। देहरादून से मेनका गांधी ने खोली सरकार की पोल। मेनका गांधी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लिखा एक लेटर। मेनका ने एक अधिकारी पर कई सवाल खड़े किए हैं। अधिकारी के लोन लेने पर सवाल उठाए। वर्ल्ड बैंक से 3000 करोड़ का लिया गया लोन। मेनका गांधी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक पत्र भेजकर जीरो की सरकार के बारे में अवगत कराया है। पोल खोल कर रख दी इस पत्र के जरिए मेनका गांधी ने त्रिवेंद्र सरकार के एक अधिकारी पर 3000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से लोन लेने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने ये भी बताया कि आरटीआई के तहत मिले सबूतों के आधार पर उन्होंने जिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं उसके पीछे विभाग के सचिव का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा लोन बिना विभागीय सचिव के गुड बुक में आए नहीं हो सकता, नहीं लिया जा सकता। मेनका गांधी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक पत्र लिखकर अधिकारी पर सवालों की बौछार की है, भ्रष्टाचार पर सवाल किया है। नवीन पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नवीन, क्या कुछ ये पूरा मामला है? मेनका गांधी बीजेपी की, उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की, ये कौन अधिकारी है जिसने वर्ल्ड बैंक से इतना लोन लिया और किसकी मदद से? जी बिल्कुल, आपको पंकज बता दूं कि बहुत बड़ा खुलासा मेनका गांधी ने अभी किया है, जो अपने लेटर को जारी करके, और उन्होंने 5 तारीख को ये लेटर लिखा है त्रिवेंद्र सिंह सरकार को। हैरानी की बात यह है कि त्रिवेंद्र सिंह सरकार के नाक के नीचे अधिकारी घोटाला करते रहे और सरकार को इसकी कानों कान खबर तक नहीं लगी। अब ऐसे में जब मेनका गांधी ने वो पत्र दिया है तो पूरा उत्तराखंड में हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने यहाँ तक इस पत्र में जिक्र किया है मेनका गांधी ने कि ये 3000 करोड़ से भी अधिक का घपला घोटाला हो सकता है, जो आपको पंकज याद होगा जो लगभग कोल घोटाला और बोफोर्स के घोटाले के बराबर हो सकता है। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप एक तरह से उन्होंने लगाया है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो वो लिख रही हैं, जो वो बता रही हैं मुख्यमंत्री को अपने पत्र के माध्यम से, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत ऑलरेडी निकलवाए हैं। अब ये कितनी हैरानी की बात है पंकज, कि एक दिल्ली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मेनका गांधी, बीजेपी की वरिष्ठ लीडर रही हैं, मंत्री रही हैं, और ये वहां बैठे हुए उन्होंने आरटीआई के माध्यम से सारी जानकारियां निकाल लेती है, लेकिन यहाँ पे जो सरकार है उसके नाक के नीचे 3000 करोड़, जैसा कि मेनका गांधी बता रही है, घपला हो रहा है, घोटाला हो रहा है, लेकिन इस सरकार को कोई कानों कान खबर नहीं लगती। हैरानी की बात यहाँ पे पंकज मैं आपको बता दूं, ये मामला सीधे साफ तौर पे खोल के बताना है यहाँ पे, क्योंकि उनके लेटर के हवाले से हम ये बात कर रहे हैं। ये मामला सीप एंड उल डिपार्टमेंट, यानी कि भेड़ और ऊन पालन डिपार्टमेंट का है, जिसमें जिसके सीईओ हैं अविनाश आनंद। ये इनके ऊपर एक तो सबसे सीधा आरोप लगा है, जिसने 3000 करोड़ से भी ऊपर का लोन लिया है भेड़ के पालन को लेकर, और खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया से भेड़ मंगा के उसकी ब्रीडिंग की बात के नाम पे लेकर वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया है। अब सवाल यहाँ पे एक और मेनका गांधी ने उठाया है कि अविनाश आनंद, उन्होंने कहा है कि अविनाश आनंद जो अधिकारी है, सीईओ है, उसकी इतनी बड़ी पावर नहीं है कि वो इतना बड़ा लोन वहां से ले सकता है। तो उन्होंने इस पे सीधे तौर पे जो प्रदेश सरकार के सचिव हैं मीनाक्षी सुंदरम, जो कई बड़ी पदों पर हैं आज की डेट में और कई बड़े ओहदे पर रह चुके हैं और आज भी हैं, उन पे उन्होंने इंडिकेट किया है कि इनके बिना जानकारी के या इनके बिना किसी तरीके की मंजूरी की ये चीजें नहीं हो सकती। यानी कि दो अधिकारियों पे, अविनाश आनंद और मीनाक्षी सुंदरम जो सचिव हैं, इस समय भी सचिव हैं, उसके उन दोनों पे सीधा सीधा आरोप लगाया है। और यहीं पे वो नहीं रुकी हैं, उन्होंने यहां तक ये बात कही है इस मामले की सीबीआई, ईडी, सीआईडी तीनों जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है। और इस तरीके से उन्होंने पूरी बात रखी है, कही है, और उन्होंने कहा है कि इसकी इंक्वायरी सेटअप होनी चाहिए, और जो ये भेड़ पालन और इस तरीके के आड़ में जो काम कर रहे हैं अधिकारी, इसका बंद होना चाहिए। और इस पे कई गंभीर, एक नहीं पंकज, आप अगर लेटर देख रहे होंगे या दर्शकों को दिखा रहे होंगे, उसमें उन्होंने लंबी चौड़ी पूरी कही, उन्होंने एक बात और कही है कि जो अधिकारी अविनाश आनंद के ऊपर खासतौर पर उन्होंने टिप्पणी की है कि जो अधिकारी उस कैडर का नहीं है, वो 13 लाख की गाड़ी में घूमता है, उनके जमीन जायदाद के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये भी सवाल किया है कि पंजाब में से चारा खरीद के लाया गया यहाँ के पशुओं के लिए और उसके लिए, जबकि गवर्नमेंट यहीं पे रुद्रपुर में और जगहों पे खरीदने का वो है। पंकज, इस खबर को हमने भी दिखाया था, अगर 6-7 दिन पहले का हम वो करेंगे तो हमने भी इस खबर को ब्रेक किया था
कि R9 टीवी ने सबसे पहले इसको दिखाया था कि एक वो कहीं वो लेटर के माध्यम से सूचना के अधिकार के तहत हमारे पास वो लेटर मिला था, उसको हमने फ्लैश भी किया था। अब ये मामला चूंकि मेनका गांधी के संज्ञान में आया होगा या यहाँ से लोगों ने बताया होगा, उस पर उन्होंने ये लेटर जारी किया है। लेटर जारी करके सीधे त्रिवेंद्र सिंह सरकार के जीरो टॉलरेंस पर सवाल उठाया है और कहा इसकी जांच भी हो और इन सब चीजों को तुरंत बंद किया जाए। 3000 करोड़ का मामला ये देश के हित में नहीं है, देश की ही कहीं ना कहीं इसमें। नवीन, एक छोटा सा सवाल जल्दी से जवाब दीजिएगा, ये जो पूरा घपला हुआ है ये किस दरमियान हुआ है, कितने सालों में हुआ है, और जब ये लेटर मुख्यमंत्री को भेजा गया है तो एक्शन क्या लिया जा रहा है, कुछ बात निकल कर आ रही है सामने? जी बिल्कुल पंकज, अभी ये लेटर चूंकि 5 तारीख को लिखा गया है, आज ये हमारे सामने आई है, हमें मिली है। अब इस पर देखना यही दिलचस्प है कि त्रिवेंद्र सिंह सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। हम नजर बनाए हुए हैं, जैसे कोई अपडेट होता है हम इसमें आपको देंगे। जी पंकज, बहुत शुक्रिया आपका।